हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीचिंग पीटी पर। मैं दोस्तों ये वाली पोयम में मैं लूसी ग्रे पोयम के बारे में बताऊंगा और इसका जो हिंदी हिंदी एक्सप्लेन भी करूंगा। इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1799 में और ये पब्लिश हुई थी 1800 में। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो संकलन था लिरिकल बैलेड, तो उसमें ये पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1800 में, और 1799 में इसको लिखा गया था। और ये जो पोयम है कि किस पर आधारित है, ये एक लूसी बच्ची के ऊपर आधारित है जो कि तूफान में गई थी, अपनी तूफान में गई थी, शहर गई थी अपनी माँ को लिवाने, और वहाँ पे क्या तूफान में फंस गई थी और उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये जो पोयम है ये कहाँ, मतलब बेस क्या है इसकी, कहाँ से प्रेरित है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर थी डोरोथी, उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को एक कहानी सुनाई थी, मतलब उन्होंने उसके बारे में बताया था लूसी के बारे में, तो वहीं से इंस्पायर होकर, वहीं से प्रेरित होकर विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने ये पोयम लिखी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला स्टंजा है, ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस्ड द वाइल्ड, तो ऑफ्ट माने होता है ऑफन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि मैंने लूसी ग्रे के बारे में अक्सर सुना है, यहाँ पे लोग जो हैं उसकी बात करते हैं। वैन आई क्रॉस द वाइल्ड, और जब मैं वाइल्ड को पार करता हूँ यानी कि जंगल को जब मैं पार करता हूँ, तो मैंने लूसी के बारे में काफ़ी सुना है। आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सॉलिटरी चाइल्ड, और ब्रेक ऑफ डे यानी कि सुबह के समय मुझको मौका मिला लूसी के बारे में जानने का, ठीक है। लूसी जो थी वो कैसी बची थी, सॉलिटरी चाइल्ड थी, यानी कि वो बिल्कुल अकेली थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। सॉलिटरी माने होता है अकेली, एकांत, ठीक है। तो जो लूसी थी वो किस प्रकार की बच्ची थी जिसका कोई भी दोस्त नहीं था। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू सी ड्वेल्ट ऑन द वाइल्ड मूर, जो लूसी थी उसका कोई मेट नहीं था यानी कि उसका कोई साथी नहीं था, नो कॉमरेड कोई उसका मित्र नहीं था, ठीक है। तो लूसी का कोई भी दोस्त नहीं था। सी ड्वेल्ट ऑन द वाइल्ड मूर, अब ड्वेल्ट माने होता है रहना और मूर माने होता है एक ऐसा मतलब क्षेत्र जहाँ पर खेती ना होती हो, जंगली घास उगती हो, जो बियाबान हो, जो बंजर हो, ठीक है। मूर का क्या कहते हैं, यही मीनिंग होता है कि जो ज़मीन बंजर हो, जहाँ पर खेती ना होती हो, जंगली घास उगती हो, ठीक है, जहाँ पर कुल मिला के मतलब दूर दूर तक बहुत कम लोग रहते हो, दलदल भी वहाँ पे हो सकता है, जंगल भी हो सकता है, झाड़ियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि लूसी का कोई दोस्त नहीं था, कोई मित्र नहीं था, और वो कहाँ रहती थी, वो मूर में रहती थी। अब फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो यही पूछते हैं कि लूसी कहाँ पर रहती थी, तो मूर में रहती थी यानी कि एक ऐसे क्षेत्र में रहती थी जो कि बंजर था और वहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ वगैरह उगती थी, कोई खेती नहीं होती थी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड ए ह्यूमन डोर, ठीक है। तो जो जो लूसी थी वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी और यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ के क्षेत्र में जो लूसी थी बहुत ही प्यारी बच्ची थी, ठीक है। आप चलते हैं आगे इसमें। यू येट मे स्पाई द फॉन एट प्ले द हेयर अपॉन द ग्रीन बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है स्पीकर जो है, जो ये सुना रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आप फॉन को यानी कि हिरन के बच्चे को आप खेलते हुए देख सकते हैं द हेयर अपॉन द ग्रीन, और जो हेयर यानी कि खरगोश को आप मतलब घास पर घूमते हुए टहलते हुए घास खाते हुए देख सकते हैं, लेकिन जो जो लूसी बच्ची थी उसका जो प्यारा सा चेहरा था वो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। विल नेवर मोर बी सीन, जो फोर्थ लाइन का क्या मीनिंग है कि लूसी इज नो मोर, यानी कि लूसी अब मर चुकी है, उसका देहांत हो चुका है, ठीक है। तो ये जो पोएम है बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। तो जो फोर्थ लाइन का यही मीनिंग है कि लूसी इज नो मोर, अब लूसी का प्यारा चेहरा कोई भी नहीं देख पाएगा। लोग हिरन के बच्चे को देख सकते हैं, लोग खरगोश को देख सकते हैं, पर लूसी का प्यारा चेहरा नहीं दिखाई देगा। टू नाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो एंड टेक द लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रो द स्नो, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टैंजा है इसमें लूसी के जो फादर हैं वो लूसी से बात कर रहे हैं कि टू नाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट, वो अपनी बेटी से कह रहे हैं, लूसी से कह रहे हैं कि आज की रात जो होगी वो बहुत ही तूफानी होगी यानी कि आज तूफान आएगा। यू टू द टाउन मस्ट गो, और तुम्हें शहर हर हालत में तुम्हें जाना होगा। एंड टेक द लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट, और तुम जब जाओगी तो अपने साथ एक लालटेन या लैंटर्न ले जाना।
योर मदर थ्रो द स्नो, क्योंकि जब तुम वहाँ से आओगी, जब बर्फ़ गिर रही होगी, तो तुम्हें अपनी माँ को रास्ता दिखाना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है कि टू नाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट, ये किसने कहा है? तो लूसी के फादर ने कहा है, ठीक है। लूसीज फादर इज टॉकिंग टू लूसी, तो यही आपको टिक लगाना है। इसके एमसीक्यू में इसी तरह पूछते हैं कि ये जो लाइन है ये किसने कही है, किसकी वॉइस किसकी है, ठीक है। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, तो फिर जो लूसी है वो कहती है कि वो कहती है पिताजी मैं यह काम खुशी खुशी करूंगी, ग्लैडली माने खुशी खुशी करूंगी। दिस स्कार्सली आफ्टरनून, और अभी तो मुश्किल से दोपहर हुई है। द मिनिस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक टू। अब फ्रेंड्स मिनिस्टर क्लॉक माने होता है चर्च, चर्च की जो घंटियाँ होती हैं टन टन, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। तो लूसी कह रही है कि अभी तो मुश्किल से दोपहर हुई है और चर्च की घंटियों ने अभी 2 बजाया है। एंड योंडर इज द मून, अब योंडर माने होता है दूर होना, और अभी चंद्रमा निकलने में काफ़ी देर है, यानी कि रात होने में काफ़ी देर है, ठीक है। तो लूसी इज रिप्लाइंग टू हिज फादर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आता है कि दिस स्कार्सली आफ्टरनून, ठीक है, ये किसने कहा है? तो आपको लूसी पे टिक लगाना है। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक एंड स्नैप फैगट बॉन्ड। तो जो जो उसके फादर होते हैं वो अपना हुक उठाते हैं, और फैगट बॉन्ड माने होता है लकड़ियों का गट्ठर, ठीक है। फैगट बैंड माने होता है लकड़ियों का गट्ठर, जो जंगलों में जो लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाते हैं ईंधन के लिए। तो उसके फादर होते हैं वो फिर से काम में शुरू हो जाते हैं। ही प्लाइड हिज वर्क, अब प्लाइड माने प्लाई माने होता है अपना काम फिर से शुरू कर देना, मेहनत शुरू कर देना, संघर्ष शुरू कर देना, काम अपना शुरू कर देना। एंड एंड लूसी लुक द लैंटर्न इन हर हैंड, और जो जो लूसी होती है वो लालटेन को अपने हाथों में ले लेती है, और उसके पिताजी काम करना शुरू कर देते हैं। नॉट ब्लिदर इज द माउंटेन रो विद मैनी ए वैंटन स्ट्रोक, ठीक है। नॉट ब्लिदर इज द माउंटेन रो, अब रो माने होता है छोटी हिरन, ठीक है, और ब्लिदर माने होता है खुश होना। तो अब जो लूसी होती है वो शहर की यात्रा शुरू करती है, और ब्लिदर माने होता है खुश करना, ठीक है, खुशी खुशी वह क्या कहते हैं टाउन को, यानी शहर को जाना शुरू करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे स्पीकर जो है बोया था, ये क्या कह रहा है कि नॉट ब्लिदर इज द माउंटेन रो, लूसी जब जा रही थी तो बहुत ही खुश थी, जिस तरह माउंटेन रो मतलब पहाड़ी का जो हिरन होता है वो बहुत खुशी खुशी इधर से उधर कूदता है, तो लूसी भी उस तरह बहुत खुश थी। विद मैनी ए वैंटन स्ट्रोक, अब दोस्तों वैंटन माने होता है कि बदमाश शरारती जो बच्चे होते हैं, जो ऊधम मचाते हैं, चंचल होते हैं, जिनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, जो बहुत बहुत ऊधम मचाते हैं, बदमाशी करते हैं। तो जो लूसी थी एक प्यारी बच्ची थी, वो भी ऊधम मचाती हुई जा रही थी। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, और जो अपने वो पैरों से मतलब कूद रही थी और बर्फ़ को ठोकर मार रही थी, और उससे क्या हो रहा था कि एक स्मोक उड़ रहा था, दैट राइजेस अप लाइक स्मोक, और जो बर्फ़ जो जमी हुई थी तो उसको वो ठोकर मारती हुई बहुत ही बदमाशी करती हुई वो जा रही थी, जिससे धुआं उड़ रहा था, जो बर्फ़ को ये ठोकर मार रही थी अपने पैरों से, ठीक है। और जो बर्फ़ थी वो एकदम पाउडर की तरह हो जा रही थी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने बताया है, जो करेक्टराइजेशन है बहुत अच्छा इन्होंने किया है, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा इन्होंने दिया है, ठीक है। वेंटन स्ट्रोक माने होता है जैसे बदमाश जो बच्चे होते हैं वो जो जमीन में पैर मार मार के चलते हैं, उस तरह आप समझ लीजिए। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, शी वेंडर्ड अप एंड डाउन, फर्क उसमें क्या हुआ कि जो तूफान था वो समय से पहले ही आ गया, और जो जो लूसी थी वो अपने रास्ते में जा रही थी, इधर उधर जा रही थी। एंड मैनी ए हिल डिड लूसी क्लाइम, और शहर जाते हुए उसे कई पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा, बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन वह शहर नहीं पहुंची, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लूसी कहाँ जा रही थी, तो आपको टाउन बताना है कि टाउन जा रही थी। द रेग्ड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, अब जो रेग्ड पेरेंट्स थे यानी कि दुखी जो माता पिता थे, वो मतलब कि वो बहुत ही परेशान हो गए, और वो रात भर उसकी खोज करते रहे। वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, शाउटिंग माने चिल्लाते रहे जोर जोर से, और हर जगह उन्होंने देखा। बट देयर वॉज नीदर साउंड नॉर साइट, पर उन्हें कोई ध्वनि नहीं महसूस हुई, ना ही उन्हें कोई दृश्य दिखाई दिया, ना ही कोई उनको सुराग मिला। टू सर्व देम फॉर ए गाइड, जो कि उनकी मदद कर सकता, उन्हें ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि जिससे मालूम पड़ता कि लूसी कहाँ है, ठीक है।
सो देयर वॉज नो क्लू ऑफ लूसी, कोई लूसी का अता पता नहीं था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें और कमेंट करें, और जो लोग नए हैं पहली बार चैनल पर आए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको बनाता रहता हूँ, ठीक, अच्छे अच्छे वीडियो। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको वीडियो मिलेगा। अब चलते हैं आगे। एट डे ब्रेक ऑन ए हिल दे स्टूड दैट ओवरलुक्ड द मूर। फिर जब डे ब्रेक हुआ यानी कि जब सुबह हुई तो उनके जो माता पिता थे लूसी के वे गए, उन्होंने सब तरफ देखा। दे ओवरलुक्ड द मूर, और उन्होंने मूर को ओवरलुक किया यानी कि ऊपर से देखा, ठीक है। अब मूर मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर खेती ना होती हो, जहाँ सिर्फ जंगली घास उगती हो, ठीक है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी, मतलब बहुत ही कम लोग रहते हो, गिने चुने, कुल मिला के बंजर क्षेत्र। तो इनके लूसी के माता पिता ने देखा दूर से, ऊपर से देखा। एंड देन दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, और उन्होंने एक लकड़ी से बने पुल को देखा। ए फर लॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, अपने घर से कुछ दूरी पर उन्होंने लकड़ी से बने हुए पुल को देखा, ठीक है। दे वेप्ट एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड इन हेवन वी ऑल शैल मीट। और फिर जो उनके माता पिता थे लूसी के वे रोने लगे, और वो जब रो रहे थे तो वो क्या कह रहे थे कि इन हेवन वी ऑल शैल मीट, स्वर्ग में हम सबकी मुलाकात होगी। वेन इन द स्नो द मदर स्पाइट द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, और बर्फ़ में, मिट्टी के ऊपर बर्फ थी तो वहाँ पर लूसी की जो माँ थी उसको उसके पैरों के निशान मिल गए। देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज दे ट्रैक्ड द फुट मार्क्स स्मॉल। फिर क्या हुआ कि जो हिल थी, जो पहाड़ी थी, वहाँ के जो ढलान थी, वहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जाते हुए लूसी के जो पैरों के निशान थे वो मिल गए। एंड थ्रू द ब्रोकन हाथॉर्न हैज, ठीक है, एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल। फिर इनको क्या कहते हैं, वहाँ पे घास वास थी वो टूटी हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे आगे गए तो एक पत्थर की दीवार बनी हुई थी। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, फिर उनके माता पिता वहाँ से गए तो एक उनको खुला मैदान दिखाई दिया, उसको उन्होंने पार किया। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, तो निशान जो थे वो आगे तक गए हुए थे, जिनके पीछे पीछे उनके माता पिता चल रहे थे। दे ट्रैक्ड देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट, और जो उनके माता पिता थे वो लूसी के पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे। एंड टू द ब्रिज दे कम, और ऐसे करते करते वे लकड़ी के पुल के पास आ गए। दे फॉलोड फ्रॉम ए स्नोई बैंक, और फिर उनको एक क्या मिला, स्नोई बैंक मिला। इसका मतलब है कि एक छोटी सी नदी या कैनाल, नहर थी, उसके किनारे तक वे आ गए, ठीक है। जो लूसी थी इसके पोएम के अकॉर्डिंग उसकी जो मौत हुई थी वो कैनाल यानी कि नहर के पास हुई थी। अब जो कैनाल को स्नोई बैंक भी कह सकते हैं, कैनाल माने होता है ए स्मॉल रिवर, ठीक है, स्ट्रीम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही बताते हैं कि इसकी डेथ कहाँ हुई थी, तो स्ट्रीम उसमें बताया गया है। स्ट्रीम माने होता है छोटी धारा, नदी या कैनाल भी आ सकता है, ठीक है, कैनाल भी आ सकता है और स्ट्रीम भी आ सकता है, तो दोनों पे आप सही है, दोनों पे आप टिक मार सकते हैं। तो दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोवी बैंक, तो छोटी सी जो धारा थी, नहर थी, उसके किनारे किनारे वो लोग गए, बैंक माने होता है सब किनारे पे गए। द फुट मार्क्स वन बाय वन, तो उनको सारे निशान मिल रहे थे। इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक, फिर क्या हुआ कि उनको वहाँ पे एक प्लैंक पड़ा हुआ था यानी कि लकड़ी का एक मोटा सा पटरा पड़ा हुआ था या तख्ता पड़ा हुआ था, तो वहाँ तक उसके निशान गए थे। एंड फर्दर देयर वर नन, और फिर निशान गायब थे यानी कि लूसी की मौत हो गई, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोएम है, बहुत खूबसूरत पोएम है, डिस्क्रिप्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे, तो जब लूसी मर गई, लेकिन सी इज़ ए लिविंग चाइल्ड, पर वहाँ के जो लोग थे वो लूसी से बहुत प्यार करते थे, तो उनका ये मानना था कि लूसी आज भी जीवित है, ठीक है। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है कि जो लूसी थी वहाँ के जो निवासी थे और उसके माता पिता क्या मानते थे कि लूसी क्या बन गई थी, तो सवाल ऐसे पूछते हैं कि जंगल का हिस्सा बन गई थी, नेचर का हिस्सा बन गई थी, इस तरह करके पूछते हैं, तो आपको नेचर वाले पे टिक मारना है, ठीक है, वो नेचर का हिस्सा बन गई थी, ठीक है। तो वहाँ के लोग क्या मानते थे, येट सम मेंटेन टू दैट टू दिस डे सी इज़ ए लिविंग चाइल्ड, लूसी के मरने के बाद भी लोग ऐसा मानते थे कि वो आज भी जीवित है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, कि आपको कहीं भी लूसी से मुलाकात हो सकती है अपॉन द लोनसम वाइल्ड,
और जंगल में जहाँ पे कोई नहीं रहता है वहाँ पर आपकी लूसी से मुलाकात हो सकती है। लोनसम माने होता है अकेला, निर्जन, एकाकी, ठीक है। ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलॉन्ग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सिंग्स ए सोलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द विंड। और जो लूसी है वो प्यारी बच्ची जो है वो अभी भी शरारत करती है, अभी वो गाने गाती है, वो खुद ही एकांत में गाने गाती है जिसकी ध्वनि आप हवा में सुन सकते हैं, ठीक है। और आज भी वह उस जगह रहती है। तो ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने। इसमें आपको क्या याद करना है, सबसे जरूरी बात याद ये करने की बात है किसने लिखा है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने लिखा है। तो कब लिखा गया है, 1799 में लिखा गया है। पब्लिश कब हुआ है, 1800 में पब्लिश हुआ है और लिरिकल बैलेड में आया है सेकंड एडिशन में, ठीक है। तो जो चीज़ आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करनी है वो है कि लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुआ था 1800 में, वो भी सेकंड एडिशन में पब्लिश हुआ था। और इसकी थीम क्या है, इट डिस्क्राइब द डेथ ऑफ ए यंग गर्ल नेम लूसी ग्रे, और लूसी ग्रे पर यह आधारित है जो कि छोटी बच्ची थी, हु वेंट आउट वन इवनिंग इन टू द स्टॉर्म एंड नेवर रिटर्न, जो तूफान में एक दिन निकली परंतु कभी लौटी नहीं। और ये प्रेरित कहाँ से थी, द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ बींग सराउंडेड बाय द स्नो एंड हिज सिस्टर्स डोरोथी मेमोरी ऑफ ए रियल इंसिडेंट दैट हैपेंड एट हेलीफैक्स। और इनकी जो बहन थी उन्होंने इनको एक घटना बताई थी जो कि हेलीफैक्स में हुई थी, वहाँ पर इस तरह की कोई लड़की थी जो मर गई थी, उसी की याद में इन्होंने लिखा है। और जो वो लड़की थी वो कभी नहीं, वो गई थी और नहीं लौटी थी, ठीक है। हर फूट स्टेप्स वर ट्रेस्ड बाय हर पेरेंट्स टू द मिडिल ऑफ द लॉक ऑफ ए कैनाल, वही नहर, नहर कह सकते हैं, कैनाल कह सकते हैं या स्ट्रीम भी कह सकते हैं। आपको आंसर में कैनाल ऑप्शन मिल जाएगा और स्ट्रीम मिल जाएगा, दोनों ही सही है। पर और कोई ऑप्शन मिलता है तो उस पर टिक मत मारिएगा, रिवर पर टिक मत मारिएगा, ठीक है, क्योंकि वो कोई बड़ी नदी नहीं थी, छोटी सी नदी थी, छोटी सी धारा थी। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और कुछ कमेंट करके आप बताना चाहते हैं तो तुरंत तुरंत बताएं, फीडबैक जरूर दें कि मैंने कैसे पढ़ाया है। और जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके लिख के बताएंगे तो आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू।